Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. I hope you enjoyed the online revision class also. Yesterday we will complete your exercise number C and D. Fill in the blanks and complete the sequence. Today we will going to revise short answer type question from chapter इन एमरजेंसी सिचुएशन सिक्स जो चैप्टर है क्लास फिफ्थ की उसके हम सॉरी वहाँ पे क्लास फिफ्थ ओके उसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे नंबर वन लेट्स बिगिन नंबर वन क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ द नेम सम of the better known natural calamities कुछ हम जो बेटर नेचुरल कैलमिटीज होती हैं उसका नाम देखेंगे ओके एरो राइट आंसर क्या क्या है वो एक तो है फर्स्ट वन इज फ्लोड्स बाढ़ ठीक है सेकेंड इज ड्रट्स थर्ड साइक्लोन्स फोर सुनामी और फाइव है लैंडस्लाइड्स एथक्वक एथक्वक एंड वॉल्केनोस ये है नेचुरल कैलामिटीज ओके देन क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ शुड वी हैव इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी हाउ शुड वी हैव In times of emergency, जो emergency के time में हमारी व्यवहार कैसा होना चाहिए वो लिखेंगे हम okay? आंसर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेक ए डीप ब्रीथ टेक अ डीप ब्रीथ लंबी सांस लेना है ठीक है फिर बी में काउंट टू टेन टू टेन काउंट करना है टेन तक टेल योर सेल्फ
tell yourself you can handle the situation हमें अपने आप को पूछना है कि ये सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ. चेक फॉर डेंजर Protect yourself and the injured person from fire, explosions or their hazards. Okay, ये मैं skip कर रही हूँ, अलग दूसरी वाली लिखेंगे हम. वैसे तो फोर है, आपको टू या थ्री भी लिखना है. ओके, यू कैन राइट टू एंड थ्री, नो प्रॉब्लम. ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन as a whole. Okay, next question. Question number three is what precautions should be taken by people? What precautions should be taken by people living in droughts. Affected area. जो ड्रॉट्स अफेक्टेड एरिया में पीपल जो रहते हैं तो क्या प्रिकॉशन हमें लेना है एरियाज. आंसर judicious people proper use of water. ये था फर्स्ट. बी है कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स and
रिजर्वेरियर, रिजर्वेरियर, ओके। सी है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर ऑफ वाटर और भी है एक्सेट्रा में लिखते हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज ए वोल्केनो। वोल्केनो क्या है? व्हाट इज अ वोल्केनो? आंसर, अ वोल्केनो इज ए क्रेक और वेंट ऑफ द अर्थ। अ वोल्केनो इज अ क्रेक और वेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच द मोल्टन लावा कम्स आउट एंड सॉलिडिफाइज ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सरफेस, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए साइक्लोन। व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? व्हाट इज अ साइक्लोन? आंसर, विंड स्टॉर्म्स ब्लोइंग फ्रॉम oceans towards land with the speed of more than 100 kilometer per hour. Are called cyclones.
तो स्टूडेंट्स आज का क्लास इतना ही है। क्वेश्चन आंसर हमने देखे आज क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आप लोग कर चुके हो। जो बच्चे नहीं किए हैं वो आपको दोबारा करना है और इसको लर्न करना है आपके एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।